क्या आपने कभी सोचा है इस बैग में क्या है? नहीं ना, ये कैबिन क्रू का हाथ का बैग है, जिसे हैंड बैग बोलते हैं, जो हम अपने साथ लेके जाते हैं। तो चलिए, आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि इस बैग में क्या है। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केंचो, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो कैबिन क्रू मेंबर्स होते हैं, उनकी लाइफ जो है बड़ी हेक्टिक रहती है। पूरी दुनिया में घूमते हैं, लेकिन उस घूमने के पीछे के जो सच हैं, वो लोगों को पता ही नहीं है, जिनको मैं आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। तो इससे पहले की वीडियो में हमने बात की कि क्रू मेंबर्स जब ट्रेवल करते हैं, तो उनको कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है अपने सूटकेस के बारे में। सर्दी के शहर जा रहे हैं, गर्मी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस तरह से पैकिंग करनी है, क्या क्या लेके जाना है, सूट केस में कितनी सारी चीजें उनको पैक करनी पड़ती है, कितनी प्लानिंग करनी पड़ती है। और जब जाकर वो वापस आते हैं लेओवर से अपने घरों में, तो आके फिर से दोबारा पैकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि फ्लाइट्स के बाद फ्लाइट्स रहती हैं, बहुत ज्यादा छुट्टियां भी बीच में नहीं होती हैं, और रिकवर भी करना होता है नींद से। तो चलिए, उसके बारे में तो हमने बातचीत कर ली है, उस वीडियो का लिंक भी आपके लिए वीडियो के नीचे डाल दूंगी, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आज अभी किस पे बात होने वाली है? आज बात होने वाली है इस चीज पे, क्रू मेंबर्स को आपने कैरी करते हुए देखा होगा एक इस तरह का बैग। इससे पहले एक बैग के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, व्हाट इज इन कैबिन क्रू बैग। वो हमारा दूसरा ओल्ड स्टाइल बैग होता था, जिसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो डाली है, उसका लिंक भी मैं आपके लिए डाल दूंगी वीडियो के नीचे। लेकिन इस वाले बैग में ज्यादा स्पेस है, तो ऑफकोर्स सामान भी थोड़ा डिफरेंट तरह का है। तो चलिए, आपको मैं दिखाती हूँ आज कि मैं इस बैग में क्या लेके जाती हूँ। मेरे कलीग्स बड़े ही क्रिएटिव हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मेरे से भी कैरी करते हैं, लेकिन चलिए आपकी थोड़ी उत्सुकता को पूरा करने के लिए, आपको बताने के लिए कि इस बैग में एक्चुअली होता क्या है, जिसे हम हैंड बैग बोलते हैं। शोल्डर पे टांगने वाले बैग्स भी होते हैं, कुछ कंपनीज इस तरह के बैग्स यूज करती है, तो ये बैग बहुत प्रैक्टिकल है। तो चलिए, विदाउट फर्दर अडू, अगर आपको लगता है आप जानना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं इसमें है क्या। तो चलिए, इस बैग के अंदर क्या है उसको देख लेते हैं। आई होप यू गाइज कैन सी इट। आई ट्राई टू फिक्स माई कैमरा ऑन एंगल सो यू कैन सी प्रॉपरली। सबसे पहले इसकी बाहर की पॉकेट को देख लेते हैं। तो इसके अंदर है, वन मोमेंट मेरी वायर, इसके अंदर मिलेगा सबसे पहले क्रू मेंबर्स जो भी अपना फोन यूज करते हैं। दिस इज माई फोन, आई यूजली कैरी टू फोन्स। उसके बाद आपको मिलेगा मेरा एक पेन, दिस इज अ गिफ्ट एंड दिस इज अ स्वारोस्की पेन, क्योंकि ये मेरी यूनिफॉर्म से मैच करता था, तो वन ऑफ माई फ्रेंड गेव इट टू मी बिकॉज ये मेरी यूनिफॉर्म के कलर का है एंड इट्स अ वेरी प्रिटी वन। एंड दिस इज माई पासपोर्ट, पासपोर्ट लेके जाना मस्ट होता है, बाकी के डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दिखाए थे, वो मेरी दूसरी ट्रॉली बैग में रहते हैं। सो दिस कवर आई मेड फ्रॉम बैंकॉक, सी हाउ प्रिटी इट इज, या आई फील लाइक एन एंजल। और ये सब बाकी एयरलाइंस और जो भी मुझे पसंद आया मैंने इस पर लगवा लिया, एंड इट वॉजेंट इवन एक्सपेंसिव एंड इट सेज ममता। सो दिस इज माई पासपोर्ट, आई शुड बी शोइंग द इन साइड पेज, बट दिस इज माई पासपोर्ट या, सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू कैरी योर पासपोर्ट। और मैं इसलिए इसको रखती हूँ यहाँ पे क्योंकि बहुत कीमती चीजें मैं यहीं पर रखती हूँ, उसके अलावा इसमें मैंने और कुछ नहीं रखा हुआ है। फर्स्ट वाली पॉकेट खोल के देख लेते हैं इसमें क्या है। सो इसमें आपको मिलेगा सबसे पहले मेरा एक ये पाउच है, इस पाउच को पहले खोल के देख लेते हैं। इस पाउच में मैं क्या क्या रखती हूं, इसमें है मेरे आई ड्रॉप्स, एक लिप्स पे लगाने के लिए लिप बाम टाइप कुछ है, आई फॉरगॉट द नेम, ये बहुत ही फेमस है, ये है मेंथल मेंथलिटम मैजिक कलर समथिंग फ्रेग्रेंस फ्री, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, इससे लिपस्टिक ड्राई नहीं होते, सो दिस इज वेरी गुड एक्चुअली। इसमें थोड़ा सा कलर भी है, सो दिस इज व्हाट आई कैरी विद मी। एक और नेल पेंट मेरे पास रहता है, इनकेस अगर दूसरी किट गुम जाए तो एक नेल पेंट, अगर चिप हो जाए नेल्स तो फ्लाइट में हमें नेल पेंट दोबारा लगाना पड़ता है।
लिप कलर आपको मैंने बताया था, ये हमारी लिपस्टिक हमें रिब्लैनिश करनी पड़ती है, पर जब से मैंने ये 24 आवर्स वाली खरीदी है इसको रिब्लैनिश करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती, बट फिर भी मैं एक एक्स्ट्रा रखती हूँ अपने साथ में। अगर मैं रेस्ट पे जाती हूँ और वापस आती हूँ तो लिपस्टिक को रिप्लैनिश करना जरूरी होता है। हैंड क्रीम उससे पहले भी आपने देखी, मैंने आपको बताया था ये मुझे बहुत पसंद है, ऑलिव ऑयल वाली है, ये मैंने सिंगापुर से ली थी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड फ्लाइट में हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं तो हैंड क्रीम होना मस्ट है। मतलब कंपनी नहीं कहती कैरी करो, लेकिन हम अपनी मर्जी से, सारे क्रू के पास अपनी अपनी होती है, और बिलीव नहीं पता नहीं कितनी कितनी वैरायटी क्रू लेके आता है फ्लाइट में, तो कभी कभी हम एक दूसरे से लेके भी यूज करते हैं, तू मुझे अपनी हैंड क्रीम ट्राई करा, मैं तुझे अपनी कराती हूँ, तो ये इस तरह से है। तो ये एक छोटा सा पाउच बेसिकली मैंने रखा हुआ है। बाकी का सामान भी दिखाती हूँ आपको, तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ इसके अंदर और क्या है। ये है मेरी सेल्फी स्टिक, ये एक स्पेयर मैंने रखी हुई है अपने साथ में, इन केस कभी जरूरत पड़े मुझे कुछ रिकॉर्डिंग करने के लिए तो ये ऑन द गो मेरे हाथ के पास ही रहती है। दिस इज फ्रॉम हुवावी, ये मैंने काफी टाइम पहले खरीदी थी। दिस इज अच्छी है, मतलब मुझे पसंद है, छोटी सी कॉम्पैक्ट है, खुल भी जाती है, खुल के भी दिखाती हूँ आपको ये मैं, तो इस तरह से है, लंबी भी हो जाती है और ये स्टैंड भी बन जाता है इस तरह से, तो ये काफी काम आती है मेरे, तो इसको मैं हमेशा साथ ही रखती हूँ। ये काफी यूजफुल है जिन लोगों को फोटोग्राफी का शौक है या सेल्फी खींचने का शौक है, दिस इज क्वाइट गुड। ये है मेरी हैट, क्योंकि हैट हम पूरी फ्लाइट में नहीं पहन के रखते, तो जब भी हैट मैं घर से पहन के जाती हूँ और जिस टाइम पे भी मैं उतारती हूँ अपनी हैट, मैं यहाँ पे अच्छे से नीटली इसको मैं फोल्ड करके रख लेती हूँ ताकि ये खराब ना हो, तो ये हैट मेरे बैग में रहती है इस तरह से। ये मेरी हैट है, ये हम लोग घर से निकलते हैं जब भी पब्लिक प्लेसेस पे होते हैं या ऑफिस में ड्यूटी पे जाते हैं तो ये हम पहन के जाते हैं, फ्लाइट के अंदर हम इसको उतार देते हैं और लैंडिंग जब होती है उसके बाद हम इसको पहनते हैं, वापस जब डोर्स खुलते हैं और एयरपोर्ट में और होटल जाते तक हमें ये पहन के रखनी होती है। उसके बाद इसमें है मेरा वॉलेट, तो वॉलेट में मेरे सारे कार्ड्स और कैश, जितने भी मेरे कार्ड्स और कैश है वो सारा इसमें रहता है, मेरे लाइसेंसेस हैं, काफी कुछ है इसमें, सारा सामान एक ही जगह पे मैं रखती हूँ, इस तरह से दिख रहा होगा आपको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं खोना नहीं चाहती, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे बैग में रखती हूँ, और मेक श्योर कीजिए इसको प्लीज अपने पास रखिए, अपनी ट्रॉली बैग में या दूर कहीं मत रखिए, यू नेवर नो। एंड ये गेस का है, ये वन ऑफ माई फेवरेट्स है, और मुझे इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन के ही जो क्लचेस हैं वो पसंद है, एंड इट हैज क्वाइट अ लॉट ऑफ पॉकेट्स ऑल्सो, सो दिस इज वेरी नाइस, आई रियली रियली लाइक इट। उसके बाद एक और चीज का मुझे शौक है, वो है परफ्यूम्स भी, उसके ऊपर भी आती हूँ, मुझे परफ्यूम्स कलेक्ट करने का भी बहुत शौक है, लेकिन उससे भी ज्यादा शौक मुझे ये कलेक्ट करने का है। दिस इज जस्ट सम ऑफ इट, आपको मैं दिखाती हूँ, तो इस पे आपको कितने सारे मेरे ये कलेक्शन की रिंग्स मिल जाएंगे पूरी दुनिया से खरीदे हुए, तो इसमें बहुत सारे की रिंग्स हैं, ये आपको बहुत सारे क्रू के पास मिलेगा, रिमूव बिफोर फ्लाइट, हाँ, उसके बाद ये मेरा चैनल का नाम जब कैबिन क्रू लाइफ था तब मैंने ये लिया था, तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले चैनल का नाम चेंज कर दिया था अपना, और ये मेरे कुछ एक और की रिंग्स, ये सब है मेरे पास अभी, ये मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ से खरीदे हैं, और एक्चुअली ये एक ही नहीं है मेरे पास, ये मेरे पास दो है पूरे भरे हुए, तो एक मैंने निकाल के घर पे रख दिया ऑलरेडी क्योंकि बहुत भारी हो गए थे, तो ये सारे के सारे मैंने कलेक्ट करे हैं, दिस इज समथिंग आई रियली लाइक टू हैव इट यू नो। सो मैं क्रू को जब कीज देती हूँ कुछ भी खोलने के लिए तो मैं ये बंच दे देती हूँ पूरा, तो फिर वो वापस मुझे करना नहीं भूलते क्योंकि मैंने उनको बोला है अगर आपने ये घुमा दिया तो मतलब आप मेरी जिंदगी ले रहे हो मेरे से। सो दिस इज सम ऑफ माई कलेक्शन गाइस, सो लेट मी शो यू द नेक्स्ट थिंग, लेट मी सिट कंफर्टेबली। ऑलराइट, सो माइकल कोर्स इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, आई लाइक शनेल, आई लाइक माइकल कोर्स, आई लाइक गेस, तो ये एक परफ्यूम मेरा फेवरेट है, दिस इज माइकल कोर्स, एंड या ये भी मैं साथ रखती हूँ क्योंकि स्प्रे करना जरूरी होता है, 100 ml से नीचे का हो तो बेटर रहता है क्योंकि नहीं तो वो कई सिक्योरिटी पे निकाल भी देते हैं, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मुझे लगा सामान वापस भी रख दिया जाए, तो ये मेरी कीज आ गई, ये मेरी सेल्फी स्टिक आ गई, ये मेरा परफ्यूम आ गया, और मेरी हैट को साइड में रखना है,
और जिसमें छोटा मोटा, क्योंकि प्रॉपर जो मेकअप किट है वो मेरी दूसरी ट्रॉली में रहती है, तो ये सिर्फ मेरे को रिप्लेनिश करना होता है अगर अपना मेकअप तो ये काम आता है। इसको रख लिया, इसको बंद कर लेते हैं। तो इस बैग का ये फायदा है, इसमें ना स्पेस बहुत अच्छी है। तो अभी इसकी दूसरी साइड खोल लेते हैं, आई होप यू गाइस कैन सी इट। इसके पीछे भी एक पॉकेट है ये वाला, इसको भी खोलते हैं, इसके अंदर क्या है। सो इसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं रखा, वैसे कुछ एक डॉक्यूमेंट्स भी मैं रखती थी, अभी फिलहाल दो ही चीजें रखी है मैंने। इसमें मेरी एक नोट्स डायरी, जिसमें मेरा जो भी इंपॉर्टेंट कुछ भी फ्लाइट डिटेल्स, मेरा अगर कुछ ऑन द गो लिखना होता है तो ये डायरी मेरे पास रहती है। मैं खोलूंगी नहीं क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर नहीं करना चाहती फ्लाइट के बारे में, तो इसमें रहता है। और उसके अलावा ये मेरा कंपनी का आईपैड है, तो ये आईपैड भी हमें साथ में कैरी करना होता है फ्लाइट्स में, तो इसमें काफी कुछ है, मेरे नोट्स वोट्स हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकती। तो ये हमारा कंपनी का आईपैड है, इसमें जितने भी मैनुअल, सेफ्टी मैनुअल, ग्रूमिंग मैनुअल, जितनी भी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में है इसमें होती है, जो हमें किसी से शेयर करना अलाउड नहीं होता क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसी है। तो इसी पे मैं पेपर वर्क करती हूँ, इसी पे मैं रिपोर्ट सबमिट करती हूँ, सब कुछ इसी के थ्रू होता है, तो ये कंपनी की तरफ से है, तो ये भी मेरे साथ ऑल द टाइम रहता है। तो दिस इज मस्ट टू कैरी बाय द वे। हाँ, बाकी मेरी आईडी और बाकी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया था, वो मेरे ट्रॉली बैग में रहते हैं, जो मेरे हाथ लगेज में रहती है उसके साइड में मैंने सब कुछ रखा हुआ है। तो चलिए, ये था इसका कंटेंट, अभी बात करते हैं आगे। अब आपको समझ आया कि क्रू मेंबर्स बनने के लिए कितना दिमाग लगता है। लोग कहते हैं कि क्रू के पास दिमाग नहीं होता, ये सोचते नहीं है, प्लान नहीं करते, बहुत कुछ करना पड़ता है, और ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये बहुत भारी हो जाती हैं, और कितना सब कुछ हमें कैरी करना पड़ता है। मान लीजिए ठंड में जा रहे हो, ये भी कैरी करा हुआ है, हैंड ट्रॉली भी कैरी करी हुई है, सूटकेस भी भरा हुआ है। मान लीजिए अगर LA में, लॉस एंजलिस में 3 दिन का स्टे है और वहां ठंड पड़ रही है बुरे वाली, तो अपने सूटकेस का आप समझ सकते हैं हमारे सूटकेस का साइज क्या है और उसमें कितना सामान हम लेके जाते हैं, वो साथ में हैंड ट्रॉली प्लस ये प्लस अपने आप को संभालना थके हुए, तो इतना सारा सामान हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कैसे लेके जानी है। तो क्रू लाइफ इतनी भी आसान नहीं है। जो भी लोग सोच रहे हैं इस लाइफ में आने के लिए, ये भैया हॉलीडे नहीं है, काम भी करना पड़ता है फ्लाइट्स पे, और प्लानिंग भी बहुत करनी पड़ती है, नींदें भी बड़े दिन रात की गंवानी पड़ती हैं, और पर्सनल और फैमिली लाइफ भी सेक्रीफाइस होती है थोड़ी सी। हाँ, लेकिन टाइम भी मिलता है, डिपेंडिंग ऑन यू हाउ यू मैनेज इट। जैसे मैं मैनेज करती हूँ, आई गिव टाइम टू माई सन, आई गिव टाइम टू माई फैमिली। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं और ज्यादा दोस्तों की महफिल ना जमाऊं। जब लेओवर पे होती हूँ तो अपना लेओवर पे जो करना होता है वही फोकस रहता है, घर आती हूँ तो पूरा फोकस अपना घर पे रखती हूँ, फ्लाइट पे होती हूँ तो पूरा फोकस अपना फ्लाइट पे रखती हूँ, जो मेरा ड्यूटी है एज अ कैबिन मैनेजर वो मैं अपनी पूरी करती हूँ। तो ये मेरा मन था कि आपको दिखाऊं कि हमारे सारे किट्स में क्या होता है। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड द वीडियो। मेरी एक इससे पुराने वाली वीडियो भी थी जिसमें मैं अलग सामान कैरी करती थी, क्योंकि वो वाला जो था ना, वो हैंडबैग था, वो शोल्डर बैग था बेसिकली, तो उसको हम टांगते थे, वो छोटे साइज का था थोड़ा सा, आपको याद होगा, पर्पल कलर की किट थी, तो उसमें बहुत सारा सामान नहीं आता था, तो मुझे बहुत सारा सामान जो अपने हाथ का हैंडबैग का, इसका मतलब जो हाथ में पकड़ती हूँ उसका, मुझे उसमें ट्रांसफर करना पड़ता था मेरे ट्रॉली बैग में। तो इस तरह से फिर अब जब मुझे ये इशू हुआ था कुछ टाइम पहले, तो मेरा मन किया कि क्यों ना इसमें बहुत सारा सामान डाल लिया जाए। तो यही है भाई हमारी जिंदगी कैबिन क्रू की, जो अभी मैंने आपको बताई है कि पैकिंग करो, ये पैकिंग करो, वो पैकिंग करो, क्या लेके जाना है, क्या खरीदना है। और क्रू की अलमारियां आपको हमेशा इतनी ओवरलोडेड मिलेंगी क्योंकि हमारी अलमारी में जगह ही नहीं होती, सर्दी के कपड़े, गर्मी के कपड़े, मिड सीजन के कपड़े, स्प्रिंग के कपड़े, हर तरह के कपड़े, हर तरह के जूते हमें रखने ही पड़ते हैं, और इतना सामान इकट्ठा हो जाता है ना कभी कभी, तो मतलब खोल के लगता है कि यार ये भी खरीदा था कभी जिंदगी में। आई एम श्योर जो क्रू देख रहे होंगे हंस रहे होंगे इस वक्त मेरी बात पे। आप अगर किसी क्रू की लाइफ में हो एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड, तो आपको पता है ये आपके साथ भी हो चुका है, आपने देखा है उनके घरों में जाके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और भी कोई टॉपिक्स अगर आप इंटरेस्टेड हैं कैबिन क्रू की लाइफ के बारे में जो आप जानना चाहते हैं मुझे लिखना मत भूलिए। मैं ममता सरदेवा ले रही हूं अभी आपसे विदा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लोगों को बताना और लाइक करना अगर पसंद आया हो तो मत भूलिएगा। मुलाकात करते हैं बहुत ही जल्द। गुड बाय फॉर नाउ।